हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ESI जो हमारा रीजनल ऑफिस है बद्दी में, उसकी तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें क्लर्क की पोस्टें और उसके साथ साथ आपकी MTS की कुछ एक पोस्टें जो है निकाली गई है। इनका एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, फीस कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, ये पोस्टें जो है रेगुलर बेस पे है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो जितने भी रीजनल ऑफिस है आपके ESI के, ठीक है, ये हमारा बद्दी रीजनल ऑफिस है हिमाचल का। इसके अलावा जो बद्दी के नज़दीक पड़ता है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो पोस्टें हैं वहाँ पे भी आपके क्लर्क की पोस्टें हैं और MTS की पोस्टें हैं, वो बद्दी से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका PDF भी जो है मैं लास्ट में शो करूँगा, वहाँ पे भी जो पोस्टें हैं वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम बद्दी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बद्दी में अगर हम यहाँ पर बात करें, ESI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इस PDF को, या टेलीग्राम ग्रुप से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पोस्टों की अगर हम बात करें तो पोस्टें कौन कौन सी है, अपर डिवीजन क्लर्क UDC जिसे हम बोलते हैं, और साथ के साथ MTS, ठीक है, मल्टी टास्किंग स्टाफ। ये रेगुलर बेस पे पोस्टें हैं, पोस्टें जो है रेगुलर बेस पे है। अगर हम यहाँ पे बात करें पोस्टें कितनी है, तो UDC की टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं आपके 29, और MTS की अगर हम बात करें तो MTS की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो है आपकी 15, ठीक है, 15 पोस्टें हैं MTS की, और जो आपका क्लर्क है उसकी पोस्टें हैं 29। अन्य जब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो क्लर्क की 16 पोस्टें हैं, और अगर हम बात करें SC में 4 पोस्टें हैं, ठीक है, 16 पोस्टें जो है आपकी अनरिजर्व में है, यानी जनरल कैटेगरी में। ST में एक पोस्ट है, OBC में 6 है, EWS में 2, और एक्स सर्विस मैन में 2 पोस्टें हैं। अगर हम यहीं पे बात करें MTS की 7 पोस्टें हैं, जनरल में 3 पोस्टें SC में है, ST में 1 पोस्ट है, OBC में 3 है, EWS में 1 पोस्ट है, और आपकी एक्स सर्विस मैन भी 1 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, APWD के लिए है, उनकी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर पोस्टें दे रखी है, और कौन कौन से जो फिजिकली हैंडीकैप है उसके लिए एलिजिबल है उनकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, वो अपना देख लीजिएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें स्केल ऑफ पे, ठीक है, पे स्केल की बात करें, तो जो फर्स्ट है आपकी UDC अपर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है वो लेवल 4 की पोस्ट है, ठीक है। इसका जो ग्रेड पे बनता है वो बनता है 2400 इसका जो है आपका ग्रेड पे है। तो इसकी अगर हम इन हैंड सैलरी या ग्रॉस सैलरी की बात करें तो आपकी 35,000 के आसपास जो इसकी सैलरी बनती है, ठीक है, 35,000। सिटी टू सिटी वेरी करता है, XYZ सिटी, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल होता है, ठीक है, इस तरीके से वेरी करता है। तो आप इसे मान के चलिएगा कि 35,000 जो है आपकी जो आपका UDC है, क्लर्क है, उसकी जो बनती है सैलरी, ठीक है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। और MTS की अगर हम बात करें तो MTS जो है ये सबसे लो लेवल की जॉब है, ठीक है, यानी कि लो लेवल इन द सेंस कि जो इसका पे लेवल है वो 1 है, और इसका जो ग्रेड पे है वो 1900 है या 1800 है, आई थिंक, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो इसमें जो मिनिमम पे स्केल बनता है, ठीक है, तो इसका जो पे स्केल बनता है वो 22,000 से अप बनता है, ठीक है, 22,000 प्लस रहता है इसका जो इन हैंड सैलरी रहती है, ठीक है। इसके अलावा अदर जो अलाउंस गवर्नमेंट देती है, DA HRA, ठीक है, ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। अगर हम यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन की, जो कि मेजर है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो UDC अन जो आपका अपर डिवीजन क्लर्क है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें सिंपली जो है डिग्री चाहिए, ठीक है, डिग्री ऑफ अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवलेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास डिग्री है, ठीक है, जो कि वैलिड है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी जो है इसमें परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी जो है स्पेशल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी स्पेशल इसी में फील्ड में की हो डिग्री, ठीक है। तो अगर आपके पास आपने BA कर रखी है, BSc कर रखी है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सिंपली कोई भी यहाँ पे जो है परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डाटाबेस, ठीक है, जो MS ऑफिस है वो आपको चलाना आना चाहिए, क्योंकि उसका भी जो है लास्ट में टेस्ट कराया जाएगा आपसे। आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, इस कंप्यूटर का भी डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, लेकिन आपको चलाना जो है आना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम वहीं पर बात करें MTS की, तो MTS में जो है सिंपली अगर आप 10th पास हैं, ठीक है, सिंपली अगर 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं MTS के लिए, सिंपली 10th पास, और UDC के लिए यानी कि जो क्लर्क है उसके लिए सिंपली ग्रेजुएशन पास। अगर हम यहाँ पे बात करें एज लिमिट की, तो जो आपका क्लर्क है इसकी एज लिमिट रखी गई है 18 से 27, ठीक है, जनरल कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो आपकी यहाँ पे एज है वो है 18 से 27, और ये एज कब काउंट होगी, ये काउंट होगी 15 फरवरी 2021 को। 15 फरवरी 2021 जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, सॉरी 2022 है ना, 15 फरवरी 2022 जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो वहाँ से कंसिडर की जाएगी।
अगर 15 फरवरी 2022 को आप जो है 18 साल के हो चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और 27 साल अगर आपकी उम्र उस समय हो चुकी है तो जो है आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 15 फरवरी के बाद जो है आप 27 के हो चुके हो तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, 15 फरवरी 2022 से जो है काउंट होगी, ठीक है। आप सिंपली गूगल पर जाइएगा, वहाँ पर एज कैलकुलेटर जो है फाइंड कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आ जाता है कि किस दिन से आपने जो है एज कैलकुलेट करनी है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और 15 फरवरी 2022 जो है डालिएगा, जो भी एज मांगेगा कि किस एज से आपको जो है किस डेट से आपको काउंट करनी है, तो वो बता देगा कि आपकी उम्र कितनी है। MTS के लिए अगर हम बात करें तो MTS के लिए मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 25 साल, ठीक है। ये अनरिजर्व्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल, और ये भी कंसिडर की जाएगी 15 फरवरी 2022 से। और SC ST के लिए, SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और 3 साल का OBC के लिए है यहाँ पे रिलैक्सेशन, ठीक है। और PWD के लिए जो है 10 साल का, OBC के लिए 15 का, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और SI के जो इम्प्लॉई है उनके लिए जो है मैक्सिमम एज 40 रखी गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या अदर स्टेट वाले हिमाचल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिएगा आपने पर्सन इंक्लूडिंग ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, ठीक है, इथोपिया, जायरे, मालवी, ठीक है, जाम्बिया, तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अप्लाई कब से कब तक कर सकते हो आप, तो जिसकी लास्ट डेट है वो है 15 फरवरी 2022 के, 15 फरवरी 2022, 15 जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021 नहीं 2022, सॉरी, ठीक है, 21 याद आ रहा है, 15 जनवरी 2022 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक महीने का जो है पूरा इसमें टाइम दिया जाएगा, 15 फरवरी 2022 तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 15 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 15 फरवरी 2022 जो है इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। इसकी जो PDF है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा या टेलीग्राम से, तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसे आप खुद जो है एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है इसे अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कुछ एक पॉइंट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। इसमें आपके जो थंब के एक्सप्रेशन है वो भी लगेंगे, ठीक है, किस तरीके से आपको स्कैन करना है, फोटो का क्या साइज होना चाहिए, सब कुछ जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम इसमें मेन बातें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जो ESI की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये रही esic.nic, यहाँ पे। उसके बाद आपको फ़ीस देनी होगी, फ़ीस कितनी है वो भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट जो है स्कैन होंगे और अपलोड करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे अगर हम बात करें फ़ीस की, तो फ़ीस जो है SC ST PWD या फिर जो ESI के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, फीमेल्स है या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए फ़ीस रखी गई है 250 रुपया, ठीक है। इनके लिए SC ST या फिर आपके वुमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन या फिर जो डिपार्टमेंटल है कैंडिडेट्स है ESI के, उनके लिए 250 रुपया है। और ऑल अदर कैटेगरीज यानी जो जनरल अनरिजर्व्ड से भरेंगे उनकी फ़ीस रखी गई है यहाँ पे 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया पर पोस्ट 500 है। अगर आप MTS के लिए अलग से अप्लाई करना चाहते हो तो 500 रुपया उसके लिए देना पड़ेगा, UDC के लिए अलग से अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए 500 रुपया अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या रखा गया है, तो ऑनलाइन ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन ही आपकी फ़ीस जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको स्कैन करने होंगे, ठीक है, यहाँ पे पूरा दे रखा है, फ़ोटो का, आपका लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन, ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन आपको जो है भर के वहाँ पे उसे स्कैन करना होगा। और अगर हम यहाँ पे आगे बात करें कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगी, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो ESI जो है अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, लेकिन बाद में बता दिए जाएंगे कि आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो देखिएगा जो आपका UDC है, जो UDC है, मैं आपको पहले रफली आइडिया दे देता हूँ, जो आपका अपर डिवीजन क्लर्क है, इसमें तीन स्टेज है। पहले तो आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, और उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल होगा, ठीक है, उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल होगा। पहले प्री होगा, मेंस होगा, फिर कंप्यूटर स्किल होगा UDC के लिए। और हम MTS की बात करें तो MTS के लिए पहले प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, ठीक है। MTS में भी दो है यहाँ पे स्टेजेस, पहले प्री और फिर मेंस। अब हम UDC की बात करें, यहाँ पे क्लर्क की बात करें, तो क्लर्क के लिए जो है सबसे पहले आपका 200 नंबर का एक पेपर होगा जिसे हम प्री बोलेंगे, ठीक है, 200 नंबर का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/4, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक नंबर आपका काटा जाएगा, और प्री के मार्क्स जो है वो काउंट नहीं किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें प्री के जो मार्क्स होंगे आपके वो काउंट नहीं किए जाएंगे। और इसमें एक और जो है आपकी यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि मिनिमम आपको 45% जो है स्कोर करना ही पड़ेगा,
ठीक है, मिनिमम 45% जो है आपको स्कोर करना पड़ेगा, यानी मिनिमम जो आपको 90 नंबर जो है इसमें लाने पड़ेंगे प्री में, ठीक है। उसके बाद ही आप जो है सेकंड के लिए क्वालिफाई होंगे, जो आपका मेंस होगा। मेंस में भी जो है 1:10 की उस पावर में जो है बुलाए जाएंगे, ठीक है। 1:10 में जो है कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, एक पोस्ट के लिए 10 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब इसमें क्या रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपका मैथ से यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से भी 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 50 मार्क्स का जो है पर सेक्शन है आपका, और लास्ट में जाके जो है ये 200 मार्क्स का हो जाता है। लास्ट में जाके 200 मार्क्स का प्री हो गया आपका। उसके बाद 1:10 की जो है उसमें जो है बच्चों को बुलाया जाएगा, एक पोस्ट के लिए 10 बच्चों को, ठीक है। उसके बाद होगा आपका मेंस, मेंस में भी सेम जो रहेगा, ठीक है। मेंस का जो सिलेबस है वो भी सेम रहेगा, जो आपका फेज़ 2 है, इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। इसमें जो है आपका रिटर्न नहीं है, ऑब्जेक्टिव है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चनों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, जो नंबर है वो सेम रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपके जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चन आएंगे 50, अवेयरनेस के क्वेश्चन 50 आएंगे, ठीक है, एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से जो है नंबर एक नंबर के ही रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर, और मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे 200। और इसके बाद, ठीक है, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मेंस, ठीक है, उसके बाद जो आपका कंप्यूटर के लिए बुलाया जाएगा 1:5 में, ठीक है। एक पोस्ट के लिए 5 बच्चों को जो है कंप्यूटर के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर में आपको जो है ये जो भी टेस्ट है इनके लिए, जो शुरू का टेस्ट है इसमें 1 घंटे का समय है, और जो सेकेंड है आपका जो मेन्स है उसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। और बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है आपका पेपर कंडक्ट होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें फेज़ 3 की, तो इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, CKT। इसमें जो है आपको क्या करना होगा, इसमें आपको पावर पॉइंट पे जो है स्लाइड प्रिपरेशन करनी होगी स्लाइड्स की, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 10 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका टाइपिंग मेट्रोन MS Word, ठीक है, इसमें फॉर्मेटिंग के साथ आपका इसमें 20 मार्क्स का है ये। और हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS Excel, MS Excel में आपको जो है टेबल जो है प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। फॉर्मूलों का यूज़ भी आपसे यहाँ पर करवाया जाएगा, विद यूज़ ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूलों का यूज़ भी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो ये मैक्सिमम इसके मार्क्स रहेंगे 50, और 30 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा, ठीक है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन्हीं दोस्त में से बनेगी, आपकी कंप्यूटर वाले से, और जो आपका मेंस होगा, ठीक है, प्री के जो मार्क्स है वो काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके फेज़ 1 और 2 के लिए 45% है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। SC ST के लिए जो है यहाँ पे 35 रखे गए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि MTS का जो सिलेबस है वो क्या है, तो MTS में जैसे मैंने आपको बताया, आपका प्री होगा पहले, उसके बाद आपका मेंस होगा। प्री में जनरल रीजनिंग आएगी आपकी, अवेयरनेस आएगी, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगी, ठीक है। 4 सेक्शन रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। 200 मार्क्स का जो है आपका प्री होगा, 1 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का आपके पास समय होगा। उसके बाद जो है 1:10 में ही इसमें भी मेंस के लिए बुलाए जाएंगे बच्चे, ठीक है। और तो यहाँ पे जो आपका सेम रहेगा, क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन जो है यहाँ पे 50 कर दिए जाएंगे 25 की जगह, ठीक है। रीजनिंग के 50 आएंगे, फिर अवेयरनेस के 50, आपके मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे, और आपके जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50, और ये 200 नंबर का जो है आपका बन जाएगा, इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा, माफ कीजिएगा। तो जो आपका मेंस होगा, इसी के बेस पे जो आपकी MTS की जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस के बेस पे ही बनेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आप इसके लिए अप्लाई करने जब भी जाओगे, ठीक है, तो इन इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। और कब से कब आप अप्लाई कर सक पाओगे इसके लिए, तो 15 जनवरी 2022 से लेके, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 15 जनवरी 2022 से लेके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 15 जनवरी 2022 से जो है लिंक ओपन कर दिया जाएगा ESI की वेबसाइट पे, और 15 फरवरी 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी जो मैंने चंडीगढ़ की वैकेंसी के बारे में बताया था, उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, चंडीगढ़ की जो वैकेंसी है वो कितनी है। चंडीगढ़ की जो वैकेंसियाँ हैं वो बद्दी से ज़्यादा है, ठीक है, बद्दी में जितनी वैकेंसियाँ हैं उनसे ज़्यादा है चंडीगढ़ की वैकेंसी। यहाँ पर देखिएगा डिटेल ऑफ वैकेंसी, ये चंडीगढ़ की है, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पंचदीप भवन है चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 19A, यहाँ पे जो है रीजनल ऑफिस है, ठीक है, मध्य मार्ग के पास चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे देखिएगा वैकेंसी की अगर हम बात करें, MTS की यहाँ पे वैकेंसी है 105, MTS की कितनी वैकेंसी है 105, और हमारी कितनी है 15, ठीक है, 15 के आसपास है। और हमारी जो UDC की वैकेंसी है वो है 29, और यहाँ पर है 81, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो चंडीगढ़ में भी आप अप्लाई कर सकते हो।
एमटीएस की यहाँ पे जनरल की जो है 37 वैकेंसी है, और हमारे जो बद्दी है रीजनल ऑफिस है वहाँ पे है 7 वैकेंसी। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। यूडीसी की यहाँ पे 30 है, वहाँ पे 29 टोटल है, और यहाँ पे 30 जो है अनरिजर्व की है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो अदर भी आरओ है, ठीक है, जितने भी रीजनल ऑफिस है ईएसआई के वहाँ पे वैकेंसियाँ निकली हुई है। हरियाणा के अंदर है आपका, ठीक है, अदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर है, दिल्ली के अंदर है आपका। तो जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, या पे आपको आपकी फैमिली कहीं अदर स्टेट में रह रही है, वहाँ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो मेरा मोटिव था वो बद्दी से रिलेटेड था, क्योंकि बद्दी जो है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, और मेनली जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो बद्दी के अंदर ही लोकेटेड है, बद्दी, ठीक है, फैक्ट्रीज में, तो उनके लिए था। अगर इसके अलावा भी आपके अंदर कोई डाउट है, ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जो है मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।